चिकन बिरयानी खाने जा रही हूँ, चलिए मेरे साथ। वैसे आप लोग प्यार बहुत करते हैं मुझसे, अपने पसंद का खाना भी खिलाना चाहते हैं मुझे। मैम आप चिकन बिरयानी नहीं खाते क्या? मुझे बहुत पसंद है, नेक्स्ट टाइम वही खाइए ना। वही खाने जा रही हूँ, चलिए मेरे साथ, मुझे भी तो कोई साथी चाहिए ना, एंजॉय करने के लिए, खाने पीने के लिए, जैसे मैं बात कर सकूं। देखो ऑन द वे। आते जाते लोगों को देखो, टाइम पास होगा। डाल दिया बाल खोलो सबसे पहले। ऑर्डर कौन लेगा? चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी ग्रेवी वाला जो होता है, और साथ में कोल्ड ड्रिंक। एक तो मेरे घर में लाइट का इशू, फिर जिस रेस्टोरेंट में मैं आई हूँ यहाँ भी लोगों ने दिए जला रखे हैं। दिख तो रही हूँ ना मैं आपको, कर लो ना थोड़ा मैनेज। अभी तो मुझे कन्वीनियंट लगी, मेरे घर के पास है, कहीं और जाने का मन नहीं किया। इतनी गर्मी, इतनी धूप में कि कहीं और जाऊँ। सर्विस काफ़ी फास्ट है इस रेस्टोरेंट की। देखिए सैलड अभी ऑर्डर किया और अभी आ गया। बस एक चीज बताओ, ये जो कुछ चैनल होते हैं जिन पे लोगों को खाना खाते हुए दिखाते हैं, इतनी बड़ी एकदम ऐसे प्लेट लेके बैठ जाते हैं, और उसमें एक जगह चिकन, एक जगह राइस, एक जगह एग, एक जगह मतलब पता नहीं क्या 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 उन्होंने सजाया हुआ होता है, रखा हुआ होता है, और वो दबा के ऐसे 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 खा रहे होते हैं। इसके पीछे ट्रिक क्या होती है? सोचा है कैसे कर पाते हैं लोग? कट लगा के वीडियोस बनाते हैं, मतलब आधा आज कर लिया शूट और आधा कल किया, जब पेट में पच गया बाहर निकल गया अगली सुबह, फिर अगले दिन ये शूट किया, ऐसा कुछ करते हैं क्या? लेकिन कट तो नजर आते नहीं है। मज़ेदार है, मज़ेदार वो नहीं, ये जो मैं खा रही हूँ उनको देख के तो मुझे उल्टी सी आती है कि कैसे खा पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। थैंक यू। दूसरा इसके अलावा दूसरा कोई जगह तो ठंडी है कम से कम। दूसरे कौन से वाली ठंडी होगी बताओ? हम सब ले आओ, इसे ले जाओ। मतलब कैसे खाते हैं ना वो लोग, एक हाथ में एग, एक हाथ में चिकन। तो कमाल है ना। मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट में आया, ऐसे फिंगर बॉल में क्या हो गया, जब भी ऐसे करके हाथ यू वॉश कर रही होती ना, तो वो फैशन मूवी का एक सीन है ना, ये लव मी शो ना, यस आई लव यू पीओ, इसे वो सीन याद आ जाता है। जो बहुत पसंद है उस मूवी का वो सीन, और कंगना रनावत की जो उसने एक्टिंग की है ना, जबरदस्त वाली, खासकर वो सीन जब उसे अपनी बेइज्जती फील होती है, वो उठा के मार दिया, इट्स नॉट फनी। चलिए मेरे साथ, ये वीडियो बन रही है तो अब ये बंदा हटेगा नहीं पीछे से।
या तो वो चिकन बिरयानी खा लेनी चाहिए थी या फिर लस्सी पी लेनी चाहिए थी। मुझसे पी नहीं जा रही है, एक तो लस्सी और ऊपर से रबड़ी लस्सी। बना दो आपकी। यस सर, जब से मैं आई हूँ ना तब से बस कैमरे में देखे जा रहे थे, तो मैंने सोचा इनकी वीडियो ही बना दूँ। होता है ना कुछ लोग अगर कोई वीडियो बना रहा है तो सब कैमरे के आगे पीछे घूमने लग जाते, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें कैद ही कर दिया जाए कैमरे में। एक ही बारी तसल्ली सर। देखिए मैं उन्हीं की शॉप पे आ गई हूँ जिन्होंने मुझे बोला था कि आपने वजन इस बार बढ़ाया ना तो आप घटा नहीं पाओगे। ये है वो सर। कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मविश्वास। अरे बोलो कुछ। मैंने इनको चैलेंज दिया था, मैं कोई भी काम में हाथ डालता। बोलो। मैंने इनको बताया था कि वजन बढ़ाना, बढ़ा के घटाना इतना आसान नहीं, बढ़ाना भी आसान नहीं, घटाना भी आसान नहीं, घटाना घटाना तो और मुश्किल है। आप भी भैया अनकम्फर्ट हो गए। पता क्या होता है ना कि ये नेचुरल है, जिसका काम नहीं ऐसे कैमरे के सामने आकर बोलने का और अचानक से उसके सामने आके खड़े हो जाओगे बोलो, और जबकि पहले बताया भी नहीं कि मैं ऐसे आपको कुछ बोलने वाली हूँ या आपको ऐसे करना, तो अगला तो सोचेगा ही ना यार कैसे, क्योंकि मैं तो हर चीज एक्सीडेंटली करती हूँ और नेचुरल जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो लेने होते हैं मुझे। वो जो कल लड़की आई थी ना आपके पास, वो स्टूडेंट है। अब आपको पता है स्टूडेंट के पास इतनी तो वो होता नहीं है, वो अपना फैमिली देखें, घर देखें या जहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं उन चीजों को देखें, खर्चे होते हैं। तो क्या कहते कि इतने पैसे हैं नहीं और मुझे थोड़ा सा चीप एंड बेस्ट चाहिए। और मुखर्जी नगर में गई, वहाँ पे तो आपको पता ही है फिर कितना महंगा होता है। अगर आप एक शॉप पे घुस जाओ तो और डेली बेसिस पे पहनने के लिए कहाँ से, वो कहते कि क्वालिटी भी नहीं और पैसे भी इतने ज्यादा। तो फिर मैंने फिर आपकी शॉप बताई उसे, मैंने तेरे को क्वालिटी भी मिलेगी और जितने पैसे तू देगी ना उसमें तेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। ये लड़कों वाली तो नहीं दे रहे हो मुझे, गर्ल्स है। नहीं मैं गर्ल वाली भी पहनूंगी ना तब भी लोग मुझे लड़का ही बोल देते। चलिए अब मैं अपना खरीद वरीद के ना फिर निकल रही हूँ घर के लिए। ओके, अब तो वीडियो अपलोड करके जब डालूंगी तब देख के बताना।